हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षता गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे चैनल पुड़ी मुड़ी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं किनवा हलवा की रेसिपी। अगर आपको मीठे खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है पर आपको अपने मीठे को थोड़ा हेल्थी बनाना है तो इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सॉस पैन में 2 बड़ा चम्मच घी डालें। घी की मात्रा आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम लिए हैं, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बादाम को मैंने कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी घी में हम 1/2 कप किनवा डालेंगे। मैंने किनवा को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, ये अच्छा फूल गया है। किनवा को घी में हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दो मिनट हो गया है, किनवा घी में अच्छा रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम 3/4 कप पानी डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करें और ढक कर पकने दें। पूरा पानी सूखने और किनवा के फूल झड़ने तक हमें इसे पकाना है। देखिए किनवा कितने अच्छे से पक करके तैयार हुआ है, एकदम अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम 1/4 कप कोकोनट शुगर डालेंगे। मैंने यहाँ पे व्हाइट शुगर को कोकोनट शुगर से रिप्लेस किया है क्योंकि कोकोनट शुगर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको कोकोनट शुगर ना मिले तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। कोकोनट शुगर की भी मात्रा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इस हलवे को हल्का ही मीठा बनाया है इसलिए 1/4 कप शुगर डाला है। कोकोनट शुगर अच्छे से पिघल गया है, अब इसमें हम कुटी हुई इलायची डालेंगे। घी रोस्ट किए हुए बादाम डाल दें। इसे 1-2 मिनट के लिए मिक्स करें। देखिए हलवे ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारा किनवा हलवा बनकर के तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बना है। एक एक दाने खिल के दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो अगली बार जब आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस हेल्थी ट्विस्ट वाले किनवा हलवा को जरूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।